रहना, बेल आइकन क्लिक करना, सब्सक्राइब शेयर और कमेंट, ये भी करते रहना। तुझी से है ये सृष्टि, तू मान मेरा कहना। सृष्टि, व्हाट्स अप। सो आज का व्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट अ वेरी वेरी फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हियर इन नागपुर। सो द रेस्टोरेंट दैट आई एम गोइंग टू गो टुडे फॉर लंच इज गणेश सागर। गणेश सागर बेसिकली इज फेमस मोस्टली फॉर ब्रेकफास्ट, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे काफी लोग अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। सो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ गणेश सागर। सो फाइनली ऑन माई वे टू गणेश सागर एंड आई एम रियली एक्साइटेड, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग बिग फूडी, सेकेंड ऑफ ऑल मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। सो आई एम गोना फील ही लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब ऐसा लग रहा है कब पहुंचेंगे मैं वहाँ पे। सो जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड मैंने जो ऑर्डर करा है वो है मैसूर मसाला डोसा एंड दही समोसा। सो लेट्स वेट फॉर आर ऑर्डर का। सांबर, यू हैव चटनी, आई थिंक दिस इज टोमेटो चटनी एंड देन यू हैव दिस मैसूर मसाला डोसा। सो दिस बेसिकली इज द पोरी चटनी एंड पोरी चटनी जो है बेसिकली कुछ कुछ लैंग्वेजेस में गन पाउडर भी बोलते हैं। सो एज फार एज आई नो इसका थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर होता है, थोड़ा सा लाइक इसमें ऑयल का तड़का लगता है एंड काफ़ी लोग इसको ड्राई खाना भी पसंद करते हैं जस्ट इन द पाउडर फॉर्म एंड यू कैन ऑल्सो लाइक एड इन हॉट ऑयल इन टू इट, तो उससे इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी बनती है। जितने भी बार आई गो टू अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आई ऑलवेज मेक श्योर टू गेट द पोरी चटनी फॉर माई सेल्फ, आई लव दिस। एंड देन वी हैव द मैसूर मसाला डोसा। मैसूर मसाला डोसा में लेट्स सी, सो एज यू कैन सी वी हैव अ ग्रीन चटनी का स्प्रेड और रेड चटनी का स्प्रेड एंड साथ में वी हैव द आलू का मसाला। सो इट हैज़ आलू, अनियन, मटर भी दिख रहे इसमें और टमाटर, गाजर आई गेस, और उसको तड़का लगाया है मस्टर्ड सीड्स का, राई का। देन वी हैव आर ऑल टाइम फेवरेट कोकोनट चटनी जो कि मैंडेटरी है इफ यू आर ईटिंग इन अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। देन वी हैव अ सांभर एंड देन ये चटनी जो है, सो ये चटनी के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि दिस इज़ वन ऑफ देयर स्पेशलिटीज, मतलब ये टमाटर की चटनी है एंड इट टेस्ट कंपेरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स दैट यू प्रॉबली हैव गॉन टू। सो यस, द दही समोसा एंड द दही लुक्स टेम्प्टिंग एंड मैंने ये भी सुना है कि यहाँ की दही समोसा की जो दही है इट्स अ लिटिल ऑन अ स्वीटर साइड। सो yeah, let's dig in. मैंने दही समोसे के बारे में सुना था यहाँ का, माय बेस्ट फ्रेंड हैड टोल्ड मी दैट द दही समोसा ओवर हियर इज अमेजिंग एंड माय फर्स्ट थॉट वाज व्हाई वुड यू ऑर्डर दही समोसा इन अ साउथ इंडियन स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट, यू नो आई नो व्हाई एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग गाइस, लाइक इट इज सो गुड, द दही इज सो स्मूथ, इट्स नॉट टू स्वीट, इट्स अ लिटिल स्वीट बट समोसा इज अमेजिंग, इट्स क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड, इसका मसाला का स्पाइसेस इज लाइक सो वेल बैलेंस्ड। सिंस आई एम अ फूडी मेरे को तो सब खाना पसंद आता है, लाइक दिस इज लाइक अमेजिंग, सो यू हैव टू ट्राई।
I'm going to take green chutney and red chutney ka part and then also the masala because I want to taste all of it. I think I'm going to try it with the podi chutney first. The dosa is amazing. The chutney uske andar jo lagi hai, I can't really taste the red chutney, but green chutney ka kafi strong taste hai because you know, I'm assuming green chutney jo hai, it's made of dhania and all the other green ingredients like green chili, dhania and all. So jo ardi taste aata hai, so I'm getting that from the green chutney. पहली बाइट में मुझे रेड चटनी का इतना टेस्ट नहीं आया, सो आई एम जस्ट गोना हैव इट ऑन इट्स ओन. द रेड चटनी इज अ लिटिल स्पाइसी, बट आई थिंक इफ यू टेक अ बाइट ऑफ रेड एंड ग्रीन चटनी बोथ, द ग्रीन वन इज अ लिटिल ओवरपावरिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी चटनी इज अ लिटिल सॉल्टी, आई थिंक सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ओवरऑल इट्स रियली गुड. आई एम गोना ट्राई दी कोकोनट चटनी ना. कोकोनट चटनी इज वेरी फ्रेश, इट्स वेरी नाइस. कोकोनट चटनी का वैसे अच्छी टेस्ट ना होना काइंड ऑफ थोड़ा इम्पॉसिबल ही है बिकॉज यू नो कोकोनट चटनी ऑलवेज गुड इन ऑलवेज फ्रेश. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द सांबार बिकॉज सांबार एक्चुअली समथिंग दैट आई रियली रियली लव. And whenever I go to a South Indian restaurant, there are two main things that I look forward to: the podi chutney and the sambar. Because sambar, मुझे लगता है कि sambar is the main game changer. If the sambar is good, then your whole South Indian cuisine का experience is good for the day. And if the sambar is not good, then you know like तुम्हारा पूरा meal kind of gets messed up. So this is the king. Let's try. Nice. So I can taste a lot of spices in it. It's a little bit on a spicier side. The consistency is really nice. It's not too thick, it's not too liquidy. Kafi jagah pe the sambar is very liquidy, but I think I really like this consistency. When my mom cooks at home, when she makes the sambar at home, exactly this is the consistency that my mom makes. Bahut zyada tomato ka taste nahi, it's a very subtle टेस्टिंग, बहुत हल्का हल्का स्वाद है टमाटर का. यू नो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो सबके टेस्ट पैलेट को सूट करेंगी, लाइक फॉर पीपल हु डू नॉट ईट वेरी स्पाइसी, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत स्पाइसी पसंद है. आई थिंक इसका टेस्ट इतना न्यूट्रल है कि आई थिंक एवरी वन इज गोना लाइक दिस चटनी. सो यार ओवरऑल एवरीथिंग इज नाइस. So, I'm done with my lunch. Honest opinion, it was good. I've had better South Indian food. The dahi samosa was amazing. The Mysore masala dosa, I felt could have been better, but it was still really good. It just costed 220 rupees for dahi samosa, for a bottle of water, and for a Mysore masala dosa. And I think that's really good. That's really amazing. Itne kam mein itna sab kuch milna is very good. So in the morning that is like extremely packed up. I came here for lunch. So lunch ke time pe thodi si bheed kam thi. But breakfast ke time pe it's heavily packed because obviously it's a South Indian restaurant and morning ke time pe a lot of people prefer having a South Indian breakfast. So if you guys are in Nagpur, make sure you guys come here. Check out Ganesh Sagar restaurant for South Indian food. I'm gonna meet you guys in the next vlog. Till then, I love you, Srishti.